व्यूअर्स, वेलकम टू आवर चैनल जयपैक बॉयज। गाड़ी का हाल देख रहे हो क्या हो रहा है। तो आज इस वीडियो में हम जा रहे हैं इस गाड़ी को ड्रॉप करने और इस गाड़ी का फुल लुक ट्रांसफॉर्म करने। ये पूरी डिटेल होगी और इसमें कुछ अमेजिंग चीज़ें होंगी, वो हम आपको आखिर में दिखाएंगे। चलते हैं, शुरू करते हैं हम अपना आज का व्लॉग। सो बॉयज, हियर वी आर इन मारखोर। मारखोर हो रहा है फुल दबा के गंदा, ना मतलब दबा के गंदा होता है ना, वो हो रहा है ये, ठीक है। तो इसकी भी डिटेलिंग बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी, हमने कहा यार इसका भी कुछ करें। लेट्स गिव सम लव टू मारखोर। सो बॉयज, व्हाट यू गाइज आर एक्सपेक्टिंग कि हम लोग क्या मॉड करें इस एपिसोड में, आई वुड लाइक यू गाइज टू पॉज द वीडियो एंड गो डाउन इन द कमेंट सेक्शन एंड टेल व्हाट यू गाइज आर एक्सपेक्टिंग। इधर आ गई है मेरे पास कॉल, मैं कॉल अटेंड करता हूँ और फिर आप लोगों से मज़ीद बात करते हैं। सो बॉयज, अच्छा खैर, कॉल आपके भाई ने अटेंड कर ली है, ठीक है। माशाल्लाह अच्छी कॉल थी, गुड सरप्राइजेज आर ऑन द वे इंशाल्लाह अज़ीज़। खैर, जब ये रमज़ान आता है ना, रमज़ान एक महीना भी है एक मौसम भी है, रमज़ान की रौनकें जो है ना वो अलग ही किस्म की होती हैं। हम जितने भी मुसलमान हैं, ऑब्वियसली मुझे बहुत सारे जो लोग फॉलो करते हैं उसमें मेजॉरिटी मुस्लिम हैं, तो हम लोग किस तरह यार बेकरारी से कम इंतज़ार कर रहा होता हूँ कि रमज़ान आए, ठीक है। अच्छा, रमज़ान से रिलेटेड एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा, जितने आप लोग मुझे देखते हैं। रमज़ान एक महीना है सब्र का, वो सब्र हर तरीके से है। उस सब्र फूड को लेके नहीं है खाली कि हम फास्टिंग कर रहे हैं और उसमें हमने फूड को लेके सब्र करना है, हमने इन भाई की तरह बेसब्रा नहीं बनना है, थोड़ा सा तहम्मुल रखना है अपने अंदर। कोई बात नहीं, दो मिनट लेट पहुँच जाएंगे, कोई बात नहीं, किसी को पहले रास्ता दे देते हैं वो चला जाए, कोई इशू की बात नहीं है, हम दो मिनट लेट पहुंच जाएंगे। दिस इज़ व्हाट सबर इज़। सबर रखना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ये खाली रमज़ान के महीने में नहीं, याद रखना एक हैबिट बनने में। एक बुक पढ़ रहा है आजकल आपका भाई हैबिट्स के बारे में, तो हैबिट बनने में जो ऑथर है वो शुरू में ही बोलता है उस बुक के कि हैबिट बनने में लगता है 21 दिन, ठीक है। रमज़ान महीना है 30 दिन का, तो अगर ये आप सब्र की हैबिट बनाएंगे ना 30 डेज की, इस 30 डेज में अगर सब्र की हैबिट बन गई आपके अंदर, तो ये पूरी ज़िंदगी बेनिफिशियल रहेगी। तो सब्र की हैबिट को कायम करें और अपनी ज़िंदगी में आपको इंस्टेंट बेहतरी महसूस होगी। खैर, बहुत ज़्यादा जो है ना वो बाबाओं वाली बात कर ली मैंने आपसे, लेकिन बात जो है वो दुरुस्त है। अब हम अप्रॉक्सीमेटली पहुंचने वाले हैं अपनी लोकेशन पे, वहाँ पहुंचते हैं, पहुंच के आपको वहाँ पे सीन चेक कराते हैं। सो बॉयज, हियर वी आर बेस्ट व्हील्स पे, ये हाईवे पे मौजूद है, और लेट्स गो इनसाइड, हम आपको यहाँ के सीन चेक कराते हैं। और ये मेरी फेवरेट प्लेस का मेन्यू पड़ा हुआ है। जाना किधर है ना, ये बहुत मुश्किल चीज़ है। ठीक है, समझ गया। वाह, सच अ बिग प्लेस, पूरा सीधा करके दे दो हमें ड्रिफ्टिंग के लिए, मज़ा ही आ जाए। ठीक है, क्या बात है। सो बॉयज, हियर वी आर एट बेस्ट व्हील्स, ये हाईवे पे हमारी सिचुएटेड है। जैसे कि रास्ते में बात करते हुए जो कराची के रेजिडेंट्स हैं वो समझ गए होंगे कि मैं हाईवे पे मौजूद था, और ये हमारा मारखोर। यहाँ ये बेसिक डिटेल होगा क्योंकि इसके हालात से आप लोगों को पता चल रहा होगा, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा, जितना गंदा आपका भाई कर सकता था ना, वो आपके भाई ने इसको गंदा किया है। और रीज़न ये है, एक्चुअल रिजल्ट दिखे ना तो फिर मज़ा है। बॉयज, यहाँ पे ये बिफोर की पिक्चर्स ले रहे हैं, और ये हर गाड़ी की ली जाती है यहाँ पे, रीज़न बीइंग कि इन्हें पता होगा कि गाड़ी किस कंडीशन में आई है, कोई मतलब दिस इज़ अ प्रॉपर वे हाउ टू डू इट। हम लोग भी एट अवर वर्कशॉप ऐसे ही करते हैं। गाड़ी एक्सट्रीमली गंदी हो रही है, मतलब एक्सट्रीमली, ठीक है। ये सारा कमाल आटे का है, आपका भाई रमज़ान के लिए राशन जो था वो इसमें रख के ले आया था, ठीक है। ठीक है, और उस टाइम मैं बहुत थका हुआ था, बहुत लेट हो गया था, और मैंने सोचा ही नहीं इस बारे में कि दिस कुड एंड अप लाइक दिस मेस। ये क्या है? अभी एक्चुअल में मैंने अभी तक देखा भी नहीं था ना। आप लोग और मैं ये मेस अभी एक साथ ही देख रहे हैं ना,
क्या करूं मैं इसका, क्या करूं, क्या करूं इसका। और मेरा दिल बहुत जल रहा है जिस तरह आप लोगों का जल रहा है, और आप लोग कमेंट में शायद नीचे कूद पड़े मेरे लिए, तो यार नहीं कूदना, अल्लाह की कसम मुझे नहीं पता था। कसम वाली बात आ गई है फिर से, मुझे सच्ची में नहीं पता था कि अंदर का हालात जो है ना वो ऐसे हो चुके हैं। ठीक है, ये मैंने पहली बार डिग्गी खोली है, और सो ये कंडीशन है गाड़ी की, अंदर बाहर हर जगह से जो है ना वो इसका काम उतर चुका है। सो बॉयज ये रहा मारखोर, ये रही उसकी चाबी, आई एम हैंडिंग ओवर दिस टू बॉय। अच्छा, मैंने अभी तक अपनी ऑडियंस को नहीं बताया कि व्हाट वी आर डूइंग विद द कार। तो फिर जॉब छोड़ दूं? ठीक है, और इट्स अ टोटल सरप्राइज फॉर देम। हमने ये बताया है कि हम कुछ मॉड्स कर रहे हैं, लेकिन क्या कर रहे हैं वो नहीं बता रहे। ये बेस्ट व्हील जैसे मैंने आप लोगों को बताया हाईवे पे मौजूद है। अच्छा, मुझे पर्टिकुलरली बहुत बारी मुझे इस लोकेशन का पता था, जैसे आपने मुझे समझाया, मुझे मैंने ऑटोमेटिकली बोला हाँ यार मुझे पता है, लेकिन मुझे इतना नहीं अंदाजा था कि आप लोग की इतनी बड़ी माशाल्लाह वर्कशॉप है। भाई के साथ चलते हैं, एक वर्कशॉप का टूर मारते हैं, क्या सर्विसेज ये प्रोवाइड करते हैं उसके बारे में चेकआउट करते हैं, फिर हम घर चलेंगे और फिर वापस गाड़ी पिक करने के लिए आएंगे। जब गाड़ी वापस पिक करने के लिए आएंगे तो फिर हम आपको दिखाएंगे आफ्टर के शॉट्स, बिफोर तो आप लोगों ने देख लिया है। चलते हैं, हम आपको दिखाते हैं यहाँ की वर्कशॉप। सो बॉयज हियर वी आर, सच अ ह्यूज वर्कशॉप, शायद कराची की सबसे बड़ी, एक शायद पाकिस्तान की भी, वन ऑफ द बिगेस्ट साइज वाइज बात कर रहा हूँ। ठीक है, बॉडी पार्ट्स के तो एक्सपर्टीज दिख ही रही है, लेकिन यहाँ पे हर तरीके का काम होता है। हम मेजरली इधर हैं भाई फॉर डिटेलिंग, एंड क्या मैं बता दूँ इन लोगों को, कुछ हम रैप कर रहे हैं ना, इट्स अ रैप। तो चलते हैं, मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है। आपका डिटेलिंग स्टूडियो किस तरफ है, फ्रंट साइड पे? ओके, आई वाज अज्यूमिंग दैट जब मैं आ रहा था अंदर। चलते हैं, हम आपको डिटेलिंग स्टूडियो चेक कराते हैं और मजीद बातें करते हैं। सो बॉयज दिस इज द डिटेलिंग स्टूडियो, जहाँ जब हम वापस आएंगे तो आपको बिफोर के बाद आफ्टर के शॉट्स दिखाए जाएंगे। दिस इज द प्लेस, और वेरी बिग लाइन अप यूनाइटेड की गाड़ियों का। जब ये आई थी ना, दे वर वेरी गुड बाय, लोगों को लगता था नहीं, लेकिन अभी सामने है तो ऐसे ही मुझे याद आ गया। तो जिस प्राइस ब्रैकेट में आ रही थी उस टाइम नहीं, उस टाइम कुछ ऑप्शन नहीं था, और इसमें मतलब बेसिक LCD बैक कैमरा ये वो दिस इन दैट था। अब ये भी ओवर प्राइज हो गई हैं, लेकिन अगर हम डॉलर के हिसाब से देखें तो हाँ ठीक ही है, लेकिन वेरी लिटिल। अच्छा, सामने जो है ना, एक्चुअल में पहली बार देख रहा हूँ बड़ी छोटी सी गाड़ी है। खैर, हम वापस मुद्दे पर आते हैं। मुद्दा ये है भाई, आप हमारी गाड़ी को करेंगे फुल ट्रांसफॉर्म इंशाल्लाह, तो आप हम चलते हैं, ऊबर बुलाते हैं, घर चलते हैं, और अब हम आपसे मिलेंगे अगले शॉट में, जो कि एक आध दिन गुजर चुका होगा, और उसमें हम आपको दिखाएंगे कि हमारी गाड़ी को इन्होंने कैसे ट्रांसफॉर्म किया है। सो दिस इज अ चैलेंज फॉर यू। सो बॉयज दिस इज डे टू, और हम लोग करीम में मौजूद हैं, वी आर गोइंग टूवर्ड्स अवर डेस्टिनेशन। गाड़ी रेडी हो चुकी है, ठीक है, और अनाई आज मेरा साथ दे रहा है, थैंक यू भाई। ठीक है, और आज रात तक मैं इसको रुलाने वाला हूँ अपने, ठीक है। अब इसके लिए मैं आपसे बिल्कुल बोलता हूँ सॉरी। तो अब काफ़ी देर हो गई, सुबह से काफ़ी काम करें, मतलब हमारी सुबह सही है जो 1-2 बजे होती है, जब से हम काफ़ी काम करें और अभी बज गए हैं अप्रॉक्सीमेटली 6:45। अब जाते हैं गाड़ी पिक करते हैं, वो गाड़ी चेक कराते हैं, और अभी भी तुम लोग जाओ और कमेंट्स में सिर्फ यही सोचते रहो, यही बताओ क्या किया होगा हमने गाड़ी के साथ, क्या नई मॉड्स हैं जो आ रही हैं। आपका हमें कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा, मैं सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ बॉयज़, सारे। सो बॉयज़ हियर वी हैव अराइव्ड एट आवर लोकेशन। गाड़ी जो है वो खड़ी हुई अंदर वहाँ पे, जैसे कि कल आप लोगों ने देखा पूरी जो गाड़ी है, नहीं ये रही गाड़ी, ये हमने पूरी गाड़ी मॉडिफाई कर दी है, आप देख सकते हैं। क्या क्या करा रही है, चेस करा रही है। तो यार वो गाड़ी जो है ना वो इधर अंदर खड़ी हुई है, थोड़ी थोड़ी दिख रही होगी। चलते हैं अंदर, हम आपको फाइनल शॉट्स चेक कराते हैं कि हमने गाड़ी में क्या किया और गाड़ी कैसी लग रही है, और डिटेलर्स डैन ने हमारी गाड़ी को किस तरह ट्रांसफॉर्म किया है। लेट्स गो बॉयज। ओ माय गॉड, मारखोर इज लुकिंग सो लिट माशाल्लाह। This is something which you guys were demanding from me for very very long. और आप लोग देख सकते हैं गाड़ी डिटेल भी हो गई है, फुल शाइन कर रही है,
ब्रांड न्यू हो गया है, एक नया लुक आ गया मारखोर का। अच्छा भाई, कमेंट में बहुत सारे बॉयज़ ने मुझे बोला था कि हम गाड़ी को करें टू टोन, और फाइनली द कार इज़ हेयर, टू टोन हो गई है गाड़ी एंड इट्स लुकिंग अमेजिंग। आप सबका बहुत शुक्रिया जिन्होंने मुझे ये आइडिया दिया, जो मेरे दिमाग में जिनकी वजह से ये आइडिया आया गाड़ी को टू टोन में करने का। गाड़ी के जो पिलर्स हैं, जो दरवाजे के, वो थोड़े से रह गए हैं, ठीक है, वो हमने अभी करने हैं, लेकिन मेरे पास, मैंने दूसरी गाड़ी कुछ काम के लिए ड्रॉप किया, मेरे पास गाड़ी नहीं थी, तो ये मेरी जल्दबाजी थी, तो मैं गाड़ी वापस पिक करने आ गया हूँ। इसको हम करते हैं, लेकिन वो बहुत माइन्यूट सी चीज़ है। ओवरऑल द कार इज़ लुकिंग एब्सोल्युटली फैबुलस, आई कांट टेल यू गाइज इन वर्ड्स के, मतलब इट्स गिविंग मी गूज़बम्प्स, मतलब ऐसा लग रहा है मैं अपना ड्रीम देख रहा हूँ सामने खड़ा हुआ ना। दिस इज़ हाउ आई वॉन्टेड इट टू लुक लाइक। और थैंक यू ब्रो, थैंक यू फॉर नेलिंग इट। और अगर आप में से भी किसी को अपनी गाड़ी डिटेल करानी हो, PPF, रैप, एवरीथिंग, यू गाइज ऑफर एवरीथिंग, और आप लोग जो स्क्रीन पे आपके लिंक आ रहा है, इस पे जाके आप भाई से कांटेक्ट कर सकते हैं, भाई आपको यहीं मिलेंगे, एंड ही इज़ एक्सपर्ट इन ऑल दीज थिंग्स, और रैप भी बहुत अच्छा हुआ है। फर्दर भी चलते चलते मैं आप लोगों को, जैसे हमेशा विद टाइम आप लोगों को बताता हूँ कि आई वॉज सेटिस्फाइड द क्वालिटी, और क्वालिटी कैसी थी, रैप कैसा हुआ एंड एवरीथिंग, वो भी मैं आप सबको बताता रहूँगा। चलते हैं, हम आपको मज़ीद कुछ सिनेमैटिक्स और बिफोर एंड आफ्टर के शॉट चेक कराते हैं, और फिर चलते हैं हम अपने घर की तरफ, क्योंकि आज घर पे हैं सारे बॉयज़ के साथ मेरी अफ्तार पार्टी, ठीक है, जितने भी हमारे मैकेनिक ऑन व्हील्स के बॉयज़ हैं कराची में, उन सब के साथ। तो हमें टाइम पे घर पहुंचना है, वरना हम हो जाएंगे फ्राई। फाइनल शॉट दिखाने से पहले आई वुड लाइक यू गाइज टू गो एंड सब्सक्राइब एक्सप्लोर विद अनस। बेसिकली अनस बहुत अच्छा कंटेंट बना रहा है यूट्यूब पे, मिक्स कंटेंट, ही इज मेकिंग ऑटोमोटिव कंटेंट, फूड व्लॉग्स, ट्रैवल व्लॉग्स, वेरी अमेजिंग व्लॉग्स। यूजली आई डोंट प्रमोट पीपल, बट आई वॉज रियली इम्प्रेस्ड बाई हिम। और बेसिकली डिफरेंट यूट्यूबर्स हैं, उनके घर वाले यूट्यूब चैनल बनाते हैं, जल्दी जल्दी उनके सब्सक्राइबर गेन हो जाते हैं। तो और भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि बहुत हार्डवर्क कर रहे हैं यूट्यूब के ऊपर। यू शुड गाइज मस्ट सब्सक्राइब देयर चैनल्स, लिंक जो उनका नाम है वो आपके सामने स्क्रीन पे आ रहा है, अभी जाएं ज़रूर चेकआउट करें। चलते हैं, अब आपको दिखाते हैं फाइनली फाइनल सिनेमैटिक शॉट्स। Boys, we are back home. ये मुसलमान जाके इसके बाद दुआ मिलेगी। एक मिनट, एक छोटा सा मेरा सवाल है, कितनी नमाजें पढ़ी हैं आज दिन में? ये रमजान ऐसे मदानी है मेरा भाई, हैं? अबे साले नहीं नहीं तू भी इसके वाला जवाब दे देना, मैं सोया हूँ, सोना भी सवाब होता है रोजे, सबसे बड़ी नेकी है सोना। समझ रहे हो ना, भाई हम अफ्तारी करने लगे हैं, ठीक है, और मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को हमारी गाड़ी का फाइनल लुक बहुत पसंद आया होगा। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल जेपैक बॉयज, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। एक हमारे भाई बाहर भी आ गए हैं, ओ बाबा आए हैं, बाबा आए हैं, अस्सलाम वालेकुम बाबा, कहते हैं बाबा आप। तो बॉयज सब्सक्राइब द चैनल, भाई को फॉलो करो, भाई को सब्सक्राइब करो, इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, और इस गाय को भी फॉलो करने का दिल चाहे तो इसको भी कर लो। अपना रखना ख्याल, अल्लाह हाफिज़।